जिले के खोराबार क्षेत्र में शुक्रवार की भोर से कोहरे के कारण वाहनों के आपस में ताबड़तोड़ टक्कर होने से करीब एक दर्जन से अधिक वाहन आपस में भिड़ गए और तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। गौरतलब है कि शुक्रवार की भोर में जगदीशपुर कस्बे के समीप सिसवा उर्फ चनकापुर ओवरब्रिज पर कुशीनगर की तरफ जाने वाली लेन पर ज्यादा कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। इसी बीच एक ट्रेलर चालक ने ब्रेक ले लिया। इस दौरान पीछे से आ रही एक बस टकरा गई, जिसके बाद से एक एक करके कई वाहन ताबड़तोड़ आपस में भिड़ गए। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद लोगों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहनों से बाहर निकाला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची चौकी प्रभारी जगदीशपुर संजय कुमार सिंह ने एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचवाया। फिलहाल कोहरे के कारण वाहनों का रफ्तार धीमी होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया। पांच खोराबार थाना क्षेत्र में जगदीशपुर चौकी पड़ती हुआ प्रातःकाल घनघोर कोहरे के कारण लगभग एक दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 6-7 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल ही जिला पुलिस द्वारा इनको जिला चिकित्सालय भेजा गया एवं क्रेन से वाहनों को हटाकर यातायात शुरू कराया गया। अब घायलों की स्थिति सही है, अभी कोई ऐसी अप्रिय स्थिति किसी की नहीं है। ज़्यादातर लोग डिस्चार्ज कर दिए, कुछ लोग एडमिट हैं, उनको भी डिस्चार्ज की तैयारी की जा रही है।